राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जबलपुर में बुधवार को नगर निगम की वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू की गई। मानस भवन में जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों व चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पर्ची के माध्यम से वार्ड आरक्षण का काम शुरू किया गया। इस दौरान ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया। नियम के तहत 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया और पर्ची के माध्यम से आवंटन की घोषणा की गई। इस दौरान कुछ पूर्व पार्षदों ने आरक्षण प्रक्रिया में रूलिंग का पालन न करने का आरोप लगाया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। कुछ ही देर में चुने हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में इस बात को लेकर तीखी बहस होने लगी और हंगामा होने लगा। शोर शराबे के बीच कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अधिकारी रूलिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जो वार्ड पहले महिलाओं के लिए आरक्षित थे उन्हें एक बार फिर महिलाओं के लिए ही आरक्षित किया जा रहा है, जबकि चक्र के अनुसार ऐसे वार्ड दोबारा महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हो सकते। लेकिन अधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी बार बार निर्वाचन की रूलिंग का हवाला दे रहे थे। इस पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इन आपत्तियों के निराकरण का आश्वासन दिया, तब आरक्षण प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई। नगर निगम जबलपुर के 79 वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और अब सभी वार्ड के आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। हालांकि इस दौरान चुने हुए जनप्रतिनिधि खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया अपना रहे वो त्रुटिपूर्ण है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत स्पष्ट रूप से वर्णन है। हमारा मतलब था अगर 50% महिलाओं का आरक्षण है तो 50% 44 का 50% कर देना चाहिए, लेकिन वो यह प्रक्रिया अपना नहीं रहे। सामान्य कैटेगरी में जैसे पिछले बार कोई सामान्य पुरुष था तो उसको रोटेशन में अलग करके सामान्य महिला कर दे रहे। हमारा कहना था कि इसकी लाठी जैसे सामान्य की डाली गई और पिछड़े वर्गों को आरक्षित करते उस प्रकार करें। उस पर हमने एक आपत्ति दर्ज करी, आपत्ति दी है। कलेक्टर महोदय उसका निराकरण कर रहे हैं, अपनी बुक में देख रहे हैं राज्य शासन के क्या नियम है। यहाँ जो बैठे हैं उनको नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों का ज्ञान नहीं है। मेरा तो सीधा ठीक है, नगर पालिका निगम जबलपुर के लिए जो वार्डों के आरक्षण की जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी को सूचित किया गया था और आज के दिन जो है इस जगह निर्धारित किया गया था। इस निर्धारण की प्रक्रिया के तहत हमने हमारी टीम के द्वारा जो है आरक्षण की प्रक्रिया को संपादित किया था। इसमें सभी सम्मानी माननीय पूर्व पार्षद, वर्तमान और जनप्रतिनिधिगण भी और आम जनता के कुछ लोग भी शामिल हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शितापूर्ण तरीके से एसटी वर्ग, एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्गों के लिए जो आरक्षण के नियम और प्रावधान नगरपालिका एक्ट में दिए गए हैं उसके तहत किया गया है। साथ साथ में 50% महिला वर्ग के लिए आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया है और जिसके लिए नियम है उस नियमों के तहत उन कैटेगरी वाइज भी आरक्षण वगैरह जो है महिलाओं के लिए वो संपादित किया गया है। आज पूर्ण प्रक्रिया जो है दोपहर में ये मानस भवन में संपादित हुई। कुछ लोगों की आपत्तियां थी, आपत्तियों के निराकरण भी किए गए हैं। जो नियम था नियमों के अंतर्गत गतिविधियां की गई हैं। नगर पालिका एक्ट के जो नियम हैं नियमों के बारे में उनको संज्ञान मिला है। मेयर बदल की बात करें तो सिर्फ 20 वार्ड जो थे ओबीसी के वो अनारक्षित में आए हैं, ये हम कह सकते हैं। नियम में ही है, चक्रानुक्रम वाली पद्धति रखते हैं तो चक्रानुक्रम पद्धति का उपयोग करते हुए इस बार जो है वो जो है ये आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।